हेलो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टॉम्स एंड साइक्लोन क्लास सेवन्थ में आपने विंड्स स्टॉम्स और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था जो कि नेचुरल फिनोमिना थे नेचर के थ्रू होते थे यू लर्न दैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ा था कि साइक्लोन्स जो हैं वो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्राम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट हम कुछ चीज़ें करके और इन चीज़ों से बच भी सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये भी हमने पढ़ा था इन दिस चैप्टर वी शिल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक इस चैप्टर में हम दो दूसरे नेचुरल फिनोमिना लाइटनिंग और अर्थ इनके बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस फिनोमिना। द फर्स्ट इज लाइटनिंग लाइटनिंग क्या होती है बिजली चमकना जिसको हम हमने नॉर्मल uh, भाषा में बोलते हैं या स्पार्कलिंग होना ये सारी चीज़ें जो है लाइटनिंग है यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पॉल When वायर बिकम्स लूज़ आपने किसी इलेक्ट्रिक खम्बे पर देखा होगा कि जब वायर लूज़ हो जाते हैं तो वहाँ पर स्पार्कलिंग स्टार्ट हो जाती है दिस फिना इज़ क्वाइट कॉमन when विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स और आपने देखा होगा कि जब हवा तेज़ चलती है तो वायर्स जो होते हैं वो स्पार्कल करते हैं ये बहुत ही कॉमन है यू माइट हैव ऑल्सो सीन स्पार्क्स वेन अ प्लग इज लूज जब अपने घर पर इलेक्ट्रिसिटी के जो सॉकेट्स होते हैं उनमें प्लग लूज होता है तो भी आपने स्पार्कलिंग होते हुए देखा होगा लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट एंशियट टाइम्स पीपल डिड नाट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स दे वर देयर फॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थाट द रेथ ऑफ गॉड वैम पुराने जमाने में जो लोग थे वो लाइटनिंग स्पार्क्स को अंडरस्टैंड नहीं करते थे वो ये समझते थे कि ये भगवान का कोई चमत्कार है ऑफ़ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस हम अब ये समझते हैं कि लाइटनिंग जो है वो चार्जेस का एक्यूमुलेट होना इकट्ठा होना उनकी वजह से लाइटनिंग होती है वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग बट वी हैव टू टेक केयर प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डेली स्पार्क डेडली स्पार्क्स अब हमको लाइटनिंग uh, से डरने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ प्रिकॉशंस रख कर हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट द एशियंट ग्रीक न्यू एज अर्ली एज सिक्स हंड्रेड बीजी दैट वेन एम्बर वॉज रब्ड विथ फर इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स ग्रीक्स ने पहले जो आ, अर्ली सिक्स हंड्रेड बी सी में अम्बेर अम्बेर एक तरह का रबड़ है उसको उन्होंने फर के साथ रब किया तो उन्होंने देखा कि वो लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे हेयर हैं जो हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है यू माइट हैव सीन दैट वैन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स योर हेयर स्टैंड ऑन एंड आपने देखा होगा कि जब हम पॉलिस्टर और ऊनी कपड़े पहन के उनको उतार रहे होते हैं तो हमारे जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लोथ्स इन डार्क यू इवन सी ए स्पार्क अगर आप अंधेरे में इन कपड़ों को उतारते हैं तो आप एक तरह का स्पार्कलिंग एक तरह की लाइट चमक देखते हैं एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड सेम फिनोमिना uh, जो बेंजामिन फ्रेंकलिन है उसने ये बताया कि हमारे कपड़ों से निकलने वाला जो स्पार्क है वो भी सेम फिनोमिना है जो हम हवा में जो लाइटनिंग वगैरह देखते हैं वो हावएर इट टुक टू हंड्रेड टू थाउजेंड ईयर फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर जबकि इस चीज को समझने में लगभग दो हजार साल लगे वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अब हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई और ये चार्जेस जो हैं वो आसमान में होने वाली जो लाइटनिंग है उससे कैसे बिलोंग करते हैं लेटेस्ट परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस का नेचर समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हम करेंगे बट रिकॉल फर्स्ट वट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम वेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर आप लोग हम लोग बचपन में सब बहुत गेम खेलते थे कि प्लास्टिक का जो स्केल होता था जिसको हम मैथ्स के स्टोमन बॉक्स में यूज़ करते हैं उसको हम अपने ड्राई हेयर पर ज़ोर जोर से रब करते थे और फिर कागज के स्मॉल पीसेस की तरफ ले जाते थे तो स्मॉल पीसेस पेपर के जो थे वो उस पर अट्रैक्ट हो जाते थे चार्जिंग बाय रबिंग टेक अड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट वाइगर्सली अ पीस ऑफ पॉलीथीन आप एक बॉल पेन की रिफिल को लेकर उसको तेजी से किसी पॉलीथीन पर रब कीजिए रगड़िए ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर और उनको स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास ले जाइए टेक केयर नॉट टू टच द ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड आप ये ध्यान रखें कि जो रब्ड एंड है जिसको हमने पॉलीथीन से रब किया

ठीक उसी तरह जैसे हम किसी स्केल को अपने हेयर से रब करते हैं और उनके ऊपर भी इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाते हैं दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ चुके हैं इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलीथिन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्जेस और अगर हम इनको ये जो रिफिल है और जो स्केल है उनको जब चार्ज कर देते हैं रबिंग के थ्रू तो अपने हेयर और पॉलीथिन जो है वो भी चार्ज हो जाते हैं लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फेमिलियर टू यू और कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी चार्ज कीजिए जो आपसे फेमिलियर जैसे पॉलीथिन वुलन क्लॉथ्स बलून और पॉलीथिन वुलन क्लोथ्स ड्राई हेयर इरेजर के साथ वुल को स्टील स्पून के साथ पॉलीथिन को वुलन क्लॉथ को इनको आप चार्ज कर सकते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन अब चार्जेस कितने तरीके के होते हैं और कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं हम ये पढ़ेंगे वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल फिफ्टीन पॉइंट वन फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट इनफ्लेट टू बलून्स दो बलून्स को फुलाना है और फिर क्या करना है हैंग दैम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर और उनको इस तरह से लटकाना है कि वो एक दूसरे को टच नहीं करें रब वो द बलून्स ऑब्जर्व आप देखेंगे कि ये जो बलून्स है वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद विद द पेन रिफिल्स रब वन रिफिल प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास पॉलिथिन के साथ एक रिफिल को रब करके एक ग्लास टम्बलर के अंदर रखेंगे फिर क्या करेंगे अगेन रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद पॉली ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल अगेन वापस एक रिफ़िल को दूसरी पॉलिथीन से रब करके और उसको उस टम्बलर के पास ले जाएंगे क्या होता है ये सब करने से क्या आपको ऑब्जरवेशन नज़र आए डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर जब हमने दोनों बलून को रब करके और छोड़ा तो उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया या रिपेल किया जो रिफ़िल थी उन्होंने भी एक दूसरे को अट्रैक्ट किया या रिफ़िल किया ये आप कैसे पता लगाओगे इन दिस एक्टिविटी हैव रोड क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट वर मेड ऑफ सेम मटेरियल वॉट हैपन्स इफ टू चार्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ़ डिफरेंट मटेरियल क्लोज टू ईच अदर इनमें क्या था दोनों बलून जो थे वो सेम ऑब्जेक्ट के बने हुए थे और दोनों जो रिफिल्स थी वो भी सेम ऑब्जेक्ट की बनी हुई थी तो अगर सेम ऑब्जेक्ट के जो बने हुए चीज़ें होंगी वो एक दूसरे को उनके ऊपर चार्ज भी सेम होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे अब हम सेकेंड एक्टिविटी जो देख रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे रब अ रिफ़िल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एक रिफ़िल जो है उसको पॉलिथिन से रब करके और एक ग्लास टम्बलर के अंदर रखेंगे फिर ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बलून और इस रब किया हुआ इन्फ्लेटेड बलून जो है वो उसके पास ले जाएंगे अब आपको क्या नज़र आएगा ये बलून जो है आ, ये आ, चार्ज बलून जो है वो दूसरे चार्ज बलून को रिपेल करेगा जबकि अ चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल्ड और चार्ज रिफिल जो है वो भी चार्ज रिफिल को रिपेल करेगी यानी उससे दूर जाएगी बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल लेकिन एक चार्ज बलून और चार्ज रिफिल को हम पास में लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे मतलब जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज़ द डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑफ द रिफ़िल क्या ये ये शो करता है कि बलून और रिफ़िल पर जो चार्ज है वो अपोजिट है कैन वी देन दैट दे आर ऑफ टू काइंड ऑफ चार्जेस कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर क्या अब हम ये कह सकते हैं कि एक ही तरह के चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे वैल चार्जेज ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर जबकि ए, अलग अलग तरह के जो चार्जेज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इट इज़ अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्जेज एक्वायर्ड बाई अ ग्लास रोड वेन इट इज रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेट टू बी नेगेटिव इट इज ऑब्जर्व दैट वेन अ चार्ज ग्लास रोड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो रब्ड विद पॉलिथिन देर इज अट्रैक्शन बिट्वीन टू ग्लास रोड और चार्ज आ, प्लास्टिक की स्ट्रो इन दोनों के अंदर जो चार्ज हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं क्यों क्योंकि वो अपोजिट चार्ज है वॉट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रो योर गैस दैट द प्लास्टिक स्ट्रो वुड कैरी नेगेटिव चार्ज जो प्लास्टिक स्ट्रो थी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो ग्लास रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टेटिक दे डू नॉट मूव बाय देम सेल्व चार्जेस मूव लग जाएंगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी यू द इलेक्ट्रिक करंट क्लास सिक्स द करेंट इन सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और द करंट वायर हॉट इज अ मोशन ऑफ चार्जेस जो करंट फ्लो होता है वो कुछ भी नहीं है चार्जेस का मोशन है चार्जेस का फ्लो है अब इस जो वीडियो है इसके अंदर हमने चार्जेस के टाइप्स पढ़े हैं उनके अंदर अट्रैक्शन और रिप्लेशन पढ़ा है और लाइटनिंग की प्रोसेस कैसे होती है ये पढ़ा है थैंक यू हैव ए नाइस डे